पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी, बीजेपी अंबाला सिटी से विधायक असीम गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं। गोयल साहब, विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई है, कब आपको सूचना मिली? यहाँ सुबह ही सूचना मिली है और हमारी विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई है, तो देखते हैं क्या होता है। बीजेपी विधायक दल की मीटिंग एकाएक बुलाया जाना, दूसरी तरफ ऐसी चर्चाएं कि जो सत्ता के गठबंधन में साथ है जेजेपी, उनसे तलाक की तैयारी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक, चाहे कोई विधायक है, जो मंत्री है, वो कार्यकर्ता पहले होता है, और जो पार्टी हाईकमान का आदेश होगा, जैसे वो रोड मैप तय करेंगे अपने कार्यकर्ता होने के नाते, वैसे ही चलना है। हमें नहीं अभी कुछ भी जानकारी किस लिए, लेकिन लोकसभा के चुनाव हैं और विधायक दल की बैठक तैयारियों के नाते बुलाना या कोई और बात के लिए बुलाना, ये आम बात है, मुझे इसमें कुछ विशेष नजर नहीं आता। बलजिंदर सिंह का बीजेपी को अलविदा कहना, कांग्रेस में शामिल होना, कहीं ये बीजेपी के लिए चिंतनीय पहलू तो नहीं? देखिए, वो लोग अपने परिवार की राजनीति को बचाने के लिए कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और द्वारा अपनी उसी परिवार की राजनीति को, अपने परिवारवाद को बचाने के लिए कांग्रेस में चले गए। ये राष्ट्रवादी लोग बाद में है, परिवारवादी पहले। देखिए, बीजेपी में भी रहते हुए कई नेताओं ने आपके कहा है कि उनकी मदर MLA रही, बेटा MP रहा, केंद्रीय मंत्री रहे, परिवारवाद तो उन्होंने बीजेपी में भी कायम ही रखा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा निश्चित सा रूल है। आपने देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का राज्यसभा का समय पड़ा था, उनको ट्रेजडी किंग कहा जाता था, सारा जीवन कांग्रेस में खपा दिया। उनको अगर कोई मंत्री के नाते कोई अगर बड़ा पद देने का काम किया तो केंद्र के नाते खुद मानते थे, अब तो वो कुछ भी कहें, भारतीय जनता पार्टी ने कहा दिया। और चुनाव लड़ाया प्रेमलता जी को, बृजेंद्र जी को अलग चुनाव लड़ाया, इतना मान सम्मान जिस परिवार को दिया हो, अगर आज वो, और बाद में आपने देखा एक बृजेंद्र सिंह जी ही रह गए थे, जैसे मैंने कहा, तो परिवारवाद की राजनीति के पोषक थे और परिवारवाद को लेके ही वापिस चले गए। जिस प्रकार से बीजेपी के सभी नेता पहले दिन से इस बात पर अड़िग थे, जितने बड़े चेहरे हैं, जितने कार्यकर्ता, 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अपने दम पर लड़े। देखिए, जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का तो चाहे किसी भी स्तर का कोई नेता कुछ है, लेकिन वो कार्यकर्ता पहले है, और जो हाईकमान फैसला करेगा, ये बात निश्चित रूप से पक्की है कि 10 की 10 सीटें हमारे पास हैं, और आज मोदी जी के नेतृत्व में हम देश के अंदर और बढ़ोतरी से सीटें जीतने जा रहे हैं, तो इस बार भी हरियाणा की 10 की 10 सीटें बीजेपी पे रहें और 10 की 10 हम जीतें, इस बात के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता का जो मन है, बाकी जो हाईकमान आदेश करेगा। प्रधानमंत्री का गुड़गांवा दौरा कैसे देखते हैं आप? एक बहुत बड़ी सौगात, और जैसा कल खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं मोटरसाइकिल पे इन रास्तों पे कभी निकलते थे, कभी उम्मीद नहीं थी कि इन दोनों के हाथों ही इन रास्तों का जीर्णोद्धार होगा, और ऐसा जीर्णोद्धार होगा। आज वो वर्ल्ड क्लास लेवल का एक एक्सप्रेसवे बना है, दुनिया वहाँ से आती है, एयरपोर्ट को जो है कनेक्टिविटी है, राजधानी के एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी होना एक बहुत बड़ी बात है, और हरियाणा के लिए दो और नए बड़े राजमार्गों का अनाउंस होना, उनका शिलान्यास होना, ये अपने आप में, प्रधानमंत्री जी हमेशा हरियाणा को अपना दूसरा परिवार मानते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस शिद्दत के साथ अपने प्रोजेक्टों को सिरे चढ़वाया है, मैं दोनों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद तो ये है, असीम गोयल बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी विधायक दल की मीटिंग से पहले कुछ भी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।